हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 2 में विषय गणित पाठ्य पुस्तिका में चैप्टर 2 सीखेंगे। कक्षा 2 में विषय गणित चैप्टर 2 सीखेंगे गिनो मगर समूह में। यानी गिनना तो है, लेकिन समूह में गिनना है। एक दो की गिनती से हम तो गिनते ही हैं, वैसे हमें नहीं गिनना है। समूह में गिनेंगे ना तो हमारी गिनती जल्दी जल्दी हो जाएगी। एक 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 500 अगर आपके पास में लड्डू दिए गए हैं और आप एक 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 गिनेंगे तो उसमें से आप बीच में ही भूल जाओगे, है ना? बीच में भूल जाओगे ना। इससे अच्छा कि आप 50-50 के एक एक समूह बना लो तो आपको गिनने में आसानी होगी। आपके पास 10 पेंसिल है, अगर आप 10 गिनोगे तो बीच में 7-8 खा जाओगे, भूल जाओगे। इससे अच्छा कि दो दो का समूह बना लो, 2, 4, 6, 8, 10 हो गए ना 10। इसके इस जैसे हमें आज समूह में गिनना है, ठीक है? चलो गिनो मगर समूह में, देखो और संख्या का अंदाज लगाओ। ओके, तो चलो देखो, यहाँ पर अंदाज लगाना है हमें। इसका किसका अंदाज लगाना है, ठीक है? तुम किस तरीके से अंदाज लगाएंगे? मिनिमम क्या ये एक कप है? नहीं। क्या दो कप है? नहीं, क्योंकि एक और दो से तो हमें ये ज़्यादा दिख रहे हैं ना, है ना? तो हम अंदाजा लगाएंगे कि एक लाइन में 2 है, एक लाइन में 3 है, एक लाइन में 4 है, ऊपर 5, ऊपर 1 है और, यानी ये कितने हो सकते हैं? ये मिनिमम 10 कप हो सकते हैं। कितने कप हो सकते हैं? 10 कप हो सकते हैं, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पर मैंने अभी कहा आपको दो दो से गिनो तो आपको जल्दी आसानी हो जाएगी, है ना? दो दो की जोड़ियाँ बनी हैं चप्पल की, है ना? कोई भी चीज़ ले लो, दो दो की जोड़ियाँ बना दो, चूड़ी की, ठीक है, बाली की, चप्पल की। तो आपके समूह में गिनेंगे ना तो जल्दी जल्दी से आपको गिनती में आसानी होगी। तो ये कितने हो सकते हैं मिनिमम? एक लाइन में 6 है, दूसरी लाइन में 6 है, तीसरी लाइन में 6 है, मिनिमम ये 18 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 18, क्योंकि एक समूह में 2 है, एक समूह में कितने हैं? 2, और 3-3 की लाइन्स है। तो मैंने यहाँ पे सीधे 6, 6 × 12, 6 × 18, है ना? तो समूह में इसको हमने अंदाज़ा लगाया तो मिनिमम ये 18 हो सकते हैं। 10 तो नहीं हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 20 से कम, है ना, और 15 से ज़्यादा। अभी देखो, यहाँ पर क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ कितने कप है? तो मिनिमम 10 कप। कितने जोड़ी जूते हैं, क्या तुम अंदाज लगा सकते हो? हाँ, तो 18, ठीक है। और 3 और 3 6 कप हुए, 4 कप नीचे हैं, तो कुल 10 कप होने चाहिए। तो हमने अंदाज़ा लगाया, अंदाजे से गिना है हमने कि 3 और 3 देखो कितने हैं, ये 3 है और ये 3 है, नीचे 4 है, तो मिनिमम 10 कप हो सकते हैं। 3 लाइन है और हर लाइन में 3 जोड़ी जूते, इसलिए यहाँ 9 जोड़ी जूते हैं, है ना? तो 9 जोड़ी जूते यहाँ पे हो सकते हैं, यानी 18 है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर आपको देखो इस तरह अलग अलग चीज़ें समूह में रखी गई है, बिना हर चीज़ को गिने इनकी संख्या का अंदाज़ा लगाओ। तो उसी तरीके से हमको अंदाज़ा लगाना है, एक एक से गिनना नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से गिनेंगे? एक 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 बॉक्स में 3 गिलास दिए हुए हैं, है ना? तो मिनिमम ये 10 से 12 गिलास हो सकते हैं। तो मिनिमम ये एक लाइन में 3 है, एक लाइन में 3, एक लाइन में 3, यानी ये मिनिमम 10 से 12 गिलास हो सकते हैं, 12 गिलास है ये, ठीक है? बिना गिने अगर हम इसका अंदाज़ा लगाए तो ये 5 तो नहीं है, 50 भी नहीं है, है ना? तो 10 है या 10 के 10 तो है, 10 के ऊपर है, है ना? ऐसे तो चलो, अभी चूड़ियाँ देखो, चूड़ियाँ का अंदाज़ा लगाओ। देखो चूड़ी वाली के पास में कितने सारी चूड़ियाँ होती हैं, तो क्या वो गिन के रखती हैं क्या? नहीं, इतनी सारी चूड़ियाँ वो नहीं गिनती है। तो जब चूड़ी वाले के पास में बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम ये 500 चूड़ियाँ होंगी या 300 चूड़ियाँ होंगी, है ना? तो देखो यहाँ पर हमने क्या अंदाज़ा लगाना है, एक का एंगल में कितने 5 चूड़ियाँ हैं, है ना? कितनी है? 5। ऐसी कितनी लाइन से? 1, 2, 3, 4, 5। एक लाइन में 5 चूड़ियाँ हैं, ऐसे 5 एंगल बने हैं, तो इसमें
25 चूड़ियाँ मिनिमम हो सकती हैं। अभी देखो बालियों का, देखो एक इसमें कितनी बालियाँ हैं, एक इसमें दो बालियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने समूह हैं इसके, बालियों के कितने समूह हैं, जोड़ियाँ कितनी हैं, 12 जोड़ियाँ हैं। कितनी जोड़ियाँ हैं, 12 जोड़ियाँ हैं, है ना। तो यहाँ कित तीन समूह में चम्मच, चलो तो ये 12 जोड़ियाँ हैं। कितनी जोड़ियाँ हैं, 12 यानी 12 दूनी 24, 24 बालियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। अभी देखो समूह में, एक समूह में कितने चम्मच हैं, 4, एक समूह में 4 चम्मच है। तो ऐसे समूह कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 समूह यहाँ पर है। तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे कुल संख्या 6 चौक 24 समूहों को गिन के हमने अंदाजा इसमें लगाया है। तो ये 24 चम्मच हो सकते हैं, है ना। ऐसे एक एक से गिनती करी कि हमने नहीं, हमने समूह में इसको गिना है। चलो तो अभी कम या ज़्यादा लगा वो अंदाज सही उत्तर में गोला लगाओ, ठीक है। तो तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी है, तो क्या हम हमारा मुंह खोल के हमारे दांत गिनेंगे क्या, नहीं, हम अंदाज़ा लगाएंगे। मिनिमम 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, कितने दांत होते हैं, 32। अगर उसमें से एक दो आपके गिर गए हैं या आपको आए नहीं है या गिरे हुए हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, हैं। लेकिन हमारे ऐसे दांतों की संख्या 32 होती हैं। तो देखो इसमें 40 से अधिक है या 40 से कम है, तो 32 यानी 40 से कम होंगे, कितने होंगे, 40 से कम। तो उसमें हमें राउंड लगाना है, ठीक है। अभी देखो एक संतरे में बीजों की संख्या, एक संतरे में बीजों की संख्या कितनी होती है। आपने संतरा देखा है, संतरे की जो हम उसको छील के एक एक उसमें से निकालते हैं, उसमें एक में 10 से 12 बीज होते हैं, है ना। संतरा खाया है ना आपको, उसको छील के करते हैं आप खाते हैं, तो एक की जो एक ही उसकी जो होती हैं उसमें 10 से 12 होते हैं। तो अगर ये पूरा संतरा हमने छीला है तो उसमें कितनी सारी अलग अलग से चिप्स निकलेंगी, तो ये कितने हो जाएंगे, 50 से अधिक बीज हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 50 से अधिक इसमें बीज हो गए। फिर माचिस की डिबिया, आपके घर में माचिस की डिबिया होंगी, दिया बत्ती में, है ना, इसका इस्तेमाल होता है माचिस, ठीक है, कुछ आग जलानी है तो, ठीक है। तो ये भरी हुई होती है, कभी हमने सोचा है गिना है कि इसमें कितनी सारी तिलियां हो सकती हैं, नहीं। लेकिन अगर हम अंदाज से देखें तो इसमें 30 से कम होती होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी डिब्बी है ना, और नीचे ऊपर इसमें भरी है, इसलिए इसमें 100 तो आएंगी नहीं, तो 30 से कम इसमें हो सकती है अंदाज से, ठीक है। अभी देखो तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या, तो हमारे कक्षा में पेंसिलों की संख्या कितनी होगी, हमारे कक्षा में तो 30 बच्चे हैं, तो 30 ही होंगी ना बच्चे, 30 है तो 30, या 45 से कम, यानी हम 45 से ज़्यादा एक क्लास में हम बैठा नहीं सकते हैं बच्चे, ठीक है, कम बैठा सकते हैं, 30 बैठा सकते हैं मिनिमम, तो यह 45 से कम होगी, ठीक है। और साइकिल के पहियों में तीलियाँ की संख्या कितनी होती है, यानी साइकिल की पहियों में ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये कितनी हो सकती हैं, है ना, तो 20 से कम या 20 से अधिक, ठीक है, तो 20 से अधिक, ठीक है। ये नज़दीक नज़दीक है, बहुत सारी है, देखो आपकी जो छोटी वाली साइकिल होती है ना जो आप चलाते हो उसमें बहुत सारी होती है, तो वो 20 से अधिक हो सकती है। ये हमने क्या लगाया, अंदाज लगाया, इसको हमने गिन के किया नहीं है, तो हमने इसका क्या लगाया, अंदाज लगाया है। चलो अभी देखो आगे, और कूदते रहो गिरना मना है, तो कूदना है तो हम दाएं और बाएं दो पैर से कूदेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दाया पैर है, दाया हाथ होता है या दाया पैर होता है, उससे हम काम कम कर पाते हैं, और बाएं हाथ से या बाएं काम से हम काम ज़्यादा कर पाते हैं, हाँ। तो अगर हम दाएं पैर से कूदेंगे तो हम एक दो करेंगे कूदेंगे, फिर कूद लगा पाएंगे, फिर हम गिर जाएंगे, है ना। और वहीं अगर हम बाएं पैर से कूदेंगे तो मिनिमम हम 10 तक कूद सकते हैं, कूद कर देखना, ठीक है, दाएं और बाएं से दोनों से। तो दाएं से हम कम कूद पाएंगे और बाएं से हम थोड़े ज़्यादा कूद पाएंगे, गिरेंगे तो दोनों में ही, जैसे जैसे आप कूदोगे तो आपका पैर थक जाएगा, आप थक जाओगे या ना आप गिर जाओगे, लेकिन दाएं पैर से ज़्यादा और बाएं पैर से कम। चलो बिंदु जोड़ो,
जो जो भूखा हैं 21 से 52 तक के बिंदु को क्रम में जोड़ो और पता करो कि इन बिंदुओं में उसके खाने के लिए क्या छिपा है। तो इसको तो केवल आपको सीधे 21 से 52 तक इसमें जोड़ देना है, इसमें अंक छिपे हैं, ठीक है। 21 से 52 के बीच में जो भी अंक आते हैं वो सब इसमें छिपे हैं, इसलिए इसको हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर समूह में गिनो पाठ्यपुस्तिका में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा गणित का वीडियो यहीं पे पूरा। ओके, बाय।